मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज 14 सितंबर 2023 का मार्केट क्लोज हो गया है और मार्केट बढ़त के साथ में बंद हुई है। सेंसेक्स में 0.08% की बढ़ोतरी रही, जो 52 पॉइंट का रहा, और एनएससी में 0.16% की बढ़ोतरी रही, जो 33 पॉइंट्स का रहा। मित्रों ओवरऑल क्लोजिंग 20,103 पे एनएससी का और 67,509 रुपये बीएससी की क्लोजिंग रही। मित्रों अगर हम बात करें निफ्टी में टॉप गेनर्स का, तो उसमें नंबर एक पे है यूपीएल, जिसने आज के एक दिन के इंट्राडे पे 3.86% का ग्रोथ दिया है। हिंडाल्को इंडस्ट्री 2.93% का ग्रोथ, ONGC 2.18% का ग्रोथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.89% का ग्रोथ, आयसर मोटर 1.84% का। छठे नंबर पे है दोस्तों डेविस लैब, जिसने 1.79% का ग्रोथ दिया है। सातवें नंबर पे टाटा स्टील 1.66% का। आठवें नंबर पे टेक महिंद्रा 1.54% का। नौवें नंबर पे अपोलो हॉस्पिटल 1.47% का। और दसवें नंबर पे नेस्ले इंडिया थी, जिसने 1.13% का इंट्राडे ग्रोथ दिखाई है। तो मित्रों इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत ही बुलिश है और आगे एक लंबी समय की तेज पारी खेलने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं, आप हमारे साथ में जुड़ करके बेहतर काम कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि किसी भी पूछताछ के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।